हेलो एवरीवन, और मूडीज ने यस बैंक पर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे दे डाली है। और मूडीज ने यस बैंक के लिए आउटलुक किया पॉजिटिव। और पढ़े क्या दिया है अनुमान, एजेंसी ने कहा है कि आउटलुक को पॉजिटिव करने का मतलब है कि उन्हें उम्मीद है कि यस बैंक के जमाकर्ताओं का बेस धीरे धीरे सुधरेगा और कर्ज बांटने वाले फ्रेंचाइजी अगले 12 से 18 महीने में बैंक के मुनाफे में सुधार लाने में मदद करेंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट मूडीज ने दी है, जिसके चलते आज बाजार में 7% से ज़्यादा यस बैंक का शेयर आज उछलता हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों बता दें कि यस बैंक में आज जो वॉल्यूम है फिर से इंक्रीज हुआ और 72 करोड़ के ऊपर का लगभग इसमें वॉल्यूम आज यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि यस बैंक फिर से एक बार फोकस में, और यस बैंक में ये फोकस कंटिन्यू, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 20 जुलाई जब तक इसके क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक ये उतार चढ़ाव इसमें जारी रह सकता है। जान लेते कि मूडीज ने आखिर यस बैंक की रेटिंग में क्या सुधार किया है। मूडीज रेटिंग ने आज यस बैंक के लिए रेटिंग को बरकरार रखने का ऐलान करते हुए आउटलुक को पॉजिटिव यहाँ पे कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने जानकारी दी कि उसके बैंक की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी बैंक डिपॉजिट रेटिंग फॉरेन करेंसी, ये सब दोस्तों जो इश्योर रेटिंग है, और लॉन्ग टर्म फॉरेन इश्योर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी काउंटर पार्टी रिस्क रेटिंग और बेस लाइन क्रेडिट असेसमेंट और एडजस्ट टेड बेस लाइन क्रेडिट असेसमेंट और शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी बैंक डिपॉजिट रेटिंग को बरकरार यहाँ पर रखा है। तो आप देख सकते हैं मूडीज ने सारी जो असेसमेंट यानी कि जो बेसलाइन क्रेडिट है सभी को मूडीज ने यहाँ पे आउटलुक यहाँ पे कर दिया है। इसके अलावा यस बैंक के लिए स्टेबल आउटलुक को अपग्रेड कर पॉजिटिव यहाँ पे कर दिया है। सुना आपने दोस्तों, पॉजिटिव यहाँ पे कर दिया है, जिसके चलते आज यस बैंक के शेयर में आज आपको 7% के लगभग का इंट्राडे जंप देखने को मिला है। हालांकि बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई और कुछ हल्का होता हुआ यस बैंक 3% की तेजी के साथ क्लोजिंग देने में यहाँ पे कामयाब रहा। लेकिन 25 रुपये का जो इंट्राडे सपोर्ट है उससे देख सकते इसमें बाउंस आया, और जो मैंने आपको टारगेट दिया दोस्तों 27, एक बार यस बैंक आपको टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा, और वापस इसने 27 का आज टारगेट फाइनली दिखाई दिया। रेटिंग पर क्या कहा रहे एजेंसी ने, तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो कोर प्रॉफिट यानी कुल एसेट के मुकाबले प्रोविजन से पहले के मुनाफे में अगले 12 से 18 महीने के दौरान 1.2% तक का सुधार देखने को मिल सकता है। खबरों में है यस बैंक, सुना आपने कि यस बैंक अब खबरों में आ चुका है, क्योंकि यस बैंक जब से यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट के बारे में वो कुछ कहना चाह रहा है कि 20 जुलाई को हम क्वार्टर रिजल्ट जारी करना चाह रहे हैं, और वो भी क्वार्टर रिजल्ट उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई साहब हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 400 करोड़ प्लस का प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है, और 123% क्वार्टर की टू क्वार्टर की तुलना में जंप देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते आप देख सकते हैं यस बैंक शेयर्स फोकस में बने हुए हैं। यह दोस्तों फिलहाल खबरों में बना हुआ है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने यहाँ पे जानकारी दी है कि फर्स्ट अबूधाबी बैंक भारत की यस बैंक के लिए 51% सुधारी के लिए यहाँ पे अपनी
बोली लगा सकता है। उसके पश्चात आपको मैंने बता दिया जापान के जो दो बड़े फर्म हैं ये भी रेस में है, लेकिन सबसे संभावनी जो जताई जा रही है कि फर्स्ट अबूधाबी बैंक इस बैंक को खरीद सकता है, ऐसी खबरों के माध्यम से दोस्तों सामने आ रही है। फिलहाल ये खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये तो यस बैंक खुद आकर कहें, जिस प्रकार इन्होंने यहाँ पे अपनी सफाई दी और यहाँ पे क्लियर किया था कि अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, और वापस आके कुछ कहें कि वास्तव में इससे डील होती हुई दिखाई दे सकती है, तो फिर ये खबर दोस्तों सत्य मानी जाएगी और उसके बाद यस बैंक शेयर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब के दोस्तों अभी कर डालें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।